हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल से। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ एक अनबॉक्सिंग एक ट्राइपॉड स्टैंड की। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये ट्राइपॉड स्टैंड काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने ये देखिए, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया है, तो आज ये मुझे मिला, तो मैं आज आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो एक यूट्यूबर के लिए ट्राइपॉड स्टैंड बहुत ही काम आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोल के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। तो चलिए मैं अब इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है अमेजोन वालों ने। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ट्राइपॉड स्टैंड और साथ में है कैरी बैग। ठीक ठाक क्वालिटी का है। इस ट्राइपॉड स्टैंड को हम अभी साइड में रख देते हैं। इसमें कुछ और भी होना चाहिए। ये देखिए, ये एक मोबाइल होल्डर है और ये एक और तरह का होल्डर है जिसको हम डिजी कैम को अटैच करने के लिए हम इस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मोबाइल होल्डर है। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल है, तो किसी भी साइज़ के मोबाइल को ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात इस होल्डर की। अब हम हमारे मेन प्रोडक्ट्स पे आते हैं, जो कि ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ये ट्राइपॉड स्टैंड ऐसे देखने में ये 30 सेंटीमीटर का है, और हम इसके जब हम इसको पूरा खोल देंगे तो ये लगभग 105 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसका फर्स्ट लेवल ओपन कर दिया है। यहाँ पे एक लॉक है इसमें, ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक लॉक। लॉक खोलते ही ये इसके ये लेग्स बाहर आ जाएंगे, और ये तीसरा भी हमने खोल दिया है। और अब देखिए, जैसे ही आप इसे खोल देते हैं तो आपको इसको वापस लॉक करना है, नहीं तो नीचे रखते ही ये वापस अंदर चला जाएगा। तीसरा भी मैं इसको, ये देखिए, अब ये लगभग 50 सेंटीमीटर हो चुका है। अब हम इसका सेकेंड लेवल को भी ओपन करते हैं। यहाँ पर ये अब देख रहे हैं, मैं इसको ओपन करूँगा और ये बाहर आ गया। और पूरा ओपन होने के बाद इसे वापस लॉक करना है, और सेकेंड लेवल इसको भी ओपन कर देंगे हम। और ये लास्ट इसको भी हमने लॉक कर दिया है। ये देखिए, अब ये लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास हो चुका है इसकी हाइट। और अब हम इसके थर्ड लेवल को ओपन करेंगे। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया पूरे 105 सेंटीमीटर का। मैं इसको पूरा यहाँ वर्टिकली दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरे 105 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है। आप अगर कहीं खड़े रहकर भी वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे मोबाइल को लगा के देखते हैं एक बार। तो मैं इसको वापस पहले इतना छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, और ये मुझे अमेजोन से पड़ा 850 रुपये का। तो 850 रुपये में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, और काफ़ी स्टेबल है।
आप इसे नीचे भी रख सकते हैं फुल ओपन करके, या फिर आपके पास अगर कोई बेंच है जैसा कि मैंने अभी लगा रखा है, एक बेंच पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बेंच पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वापस मैंने इसको पूरा पहले जैसा कर दिया है। लॉक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप इसे खोल के रखते हो और अगर आप लॉक नहीं करते तो ये वापस अंदर चला जाएगा और आपके मोबाइल स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं हम इसको। इसमें तीन तरह के लॉक दे रखे हैं यहाँ पे। पहला लॉक आप देख सकते हैं ये है, इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये देखिए, मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिए, अगर आपको इसको हिलाना है तो आपको इसे घुमा के रखना पड़ेगा, तो ये आप इसको मूव कर पाओगे, नहीं तो आप इसे मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेवल दे रखा है, मर्क्यूरी लेवल, इससे आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो सीधा है कि नहीं है। और दूसरा लॉक है हमें यहां दे रखा है, दूसरा लॉक ये देखिए, इससे हम इसको ऐसे आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जब आपको अपना पोजीशन सही लगे तो आप इसको वापस टाइट कर दो, फिर ये मूव नहीं करेगा। तो अब ये रहा हमारा मोबाइल होल्डर, मैं इसको यहां लगा देता हूं। और यहां पर एक और लॉक दे रखा है आपको, इससे आप आपकी हाइट, इसकी हाइट को और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से लेग्स की तो है ही है और साथ में थोड़ा और आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छी बात है, जो खड़े रह के वीडियो बनाते हैं या चलते फिरते वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये चीज काफी अच्छी है। और जब ये हो जाए तो वापस इसको यहां से टाइट कर लीजिए ताकि ये मूव ना करे, नहीं तो आप जैसे ही मोबाइल रखेंगे ये वापस अंदर चला जाएगा और इससे आपके मोबाइल के गिरने का खतरा रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको, अब मैं इसके मर्क्यूरी लेवल को सब सही कर देता हूँ एक बार, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा पीछे रखता हूँ, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, मर्क्यूरी लेवल को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर आपको पूरा सेटिंग करके फिर बताता हूँ। मेरे पास एक दूसरा मोबाइल फोन है, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल को यहाँ पे रख दिया है और ये बिल्कुल सीधा है अभी। मैं इसको आपको आगे की तरफ से दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको वर्टिकल रखना है तो आप इसे वर्टिकल रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रखना है तो आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, आपको जिस साइड चाहिए वहां रखना है और इसको टाइट करना है, फिर ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, ये काफी टाइट है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें वीडियो बनाने में। तो जहां तक है, मैं तो इसको हॉरिजॉन्टल रखना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर आप वर्टिकल रख के वीडियो बनाते हैं तो आपके यूट्यूब पे वो फुल स्क्रीन में आपको वीडियो नहीं दिखाई देगा। तो
तो दोस्तों यही था इसकी अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यू की। जहाँ तक बात है, मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। ये देखिए इसकी फिनिशिंग आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके लॉक्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं और अमेजोन से काफ़ी सिक्योरली ये हमारे तक पहुँच जाता है। इसके टूटने का कोई खतरा रहता नहीं। ये देखिए मेरे को अभी आज के आज मिला है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और 850 रुपये में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप YouTube पे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक गैजेट हो सकता है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।